हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2022 का नया लेटेस्ट कर्ड माइस्ट्रो रेफ्रिजरेटर, जो कि आता है कन्वर्टेबल 5-in-1 ट्विन कूलिंग प्लस की टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि सैमसंग की एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो क्या क्या इसके अंदर सैमसंग ने आपको नया दिया है, क्या इसके अंदर आपको सैमसंग 2022 में लुक वाइज क्या आपको नया दे रही है, क्या फीचर्स आपको नए दे रही है, एक एक करके हम हर एक चीज की इसके अंदर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये थी इसकी फर्स्ट लुक अंदर से और बाहर से, बैक साइड से। अब हम इसके बात करते हैं सबसे मेन हाइलाइटेड फीचर्स की, कर्ड माइस्ट्रो। इसके अंदर क्या है आप यहां पे देखिए, इसके अंदर आप दो तरह की दही जमा सकते हैं, सॉफ्ट और थिक, और ये है इसका ऑप्शन कर्ड सेट करने का। आपने इस बटन को दबाना है, अगर आप सॉफ्ट दही चाहते हो तो सॉफ्ट पे सिलेक्ट करके रख सकते हो, अगर आपको हैवी और मोटी दही चाहिए तो आप थिंक पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। जब दही जम जाती है उसके बाद ऑटोमेटिक सर्व का ऑप्शन यहाँ पे ब्लिंक हो जाता है। सॉफ्ट दही को जमने के लिए इसके अंदर लगते हैं 6.5 घंटे और थिक दही को जमने के लिए इसके अंदर लगते हैं 7.5 घंटे। तो जो इसका बॉक्स है अब मैं उसको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये है इसका कर्ड वाला बॉक्स, कुछ इस तरह से इसकी लुक है। ये 1 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। तो दिखाना चाहूँगा मैं आपको इस बॉक्स को, कुछ इस तरह का देखने में ये बॉक्स है। इसके अंदर आप 1 लीटर की दही जमा सकते हो। आपने जस्ट करना क्या है, आपने दूध को थोड़ा सा नवाया नॉर्मल गर्म करने के बाद उसके अंदर खट्टा मिक्स करके आपने इस कंटेनर के अंदर लगा के, ये इसका स्टैंड है, उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कैसी दही चाहिए और आपकी दही आपको 6.5 या 7.5 घंटे में तैयार मिलेगी। तो सबसे मेन तो था ये वाला फीचर इसके अंदर। सेकंड है इसके अंदर आपको कन्वर्टेबल 5-in-1 ये रेफ्रिजरेटर आता है, जो कि ट्विन कूलिंग प्लस के साथ आता है। इसका फायदा क्या है, सैमसंग ने इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको दो अलग अलग इवेपोरेटर दिए, यानी कि दो कूलिंग सिस्टम दिए। जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये ऊपर अलग से ट्विन कूलिंग प्लस सिंगल फैन एक ऊपर दिया हुआ है, इसी के साथ आपको एक और फैन नीचे की तरफ भी दिया हुआ है, जो जिसके कारण आपको डबल कूलिंग मिलती है और इसी कारण आप इस रेफ्रिजरेटर को 5 तरीके से यूज भी कर सकते हो। वो कैसे, एक एक करके हम उस चीज की बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला फीचर है इसके अंदर नॉर्मल मोड, जिसके अंदर क्या है आपका जो फ्रिज है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका एक फ्रीजर होता है, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो एक एज ए फ्रिज की तरह काम कर रहा है। सेकेंड है इसके अंदर, जैसे आपने इसको कन्वर्टेबल मोड पे, यानी कि एक्स्ट्रा फ्रिज मोड पे करना है, मतलब आपको ऊपर की तरफ जो है फ्रीजर को फ्रिज बनाना है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, इस जो सबसे लेफ्ट वाला बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो अब जो है आप यहाँ पे देखिए, आपकी फ्रिज वाली लाइट ब्लिंक पे लाइट आ चुकी है, इसका मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो फ्रीजर पार्ट है, वो आपका एक फ्रिज बन चुका है। सेकंड है इसके थर्ड है सॉरी इसके अंदर सीजनल मोड, जिसके अंदर आपको मान लो आइस की जरूरत नहीं पड़ती अपने यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि वैसे ही मौसम बहुत ठंडा होता है सर्दियों में, तो उस टाइम आप ऊपर वाले पोर्शन को ऑफ भी कर सकते हो। उसके लिए आपने करना क्या है, इसी बटन को दोबारा से प्रेस करना है, अब ये देखिए ये ऑफ के ऊपर चला गया है, तो इस टाइम जो है आपका जो फ्रीजर वाला पार्ट है वो ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से आप सीजनल मोड को इस रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज कर सकते हो। अब जो है इसके हम फोर्थ वाले मोड की बात करेंगे। उसके अंदर होता क्या है, जैसे कई बार आप घर पे अकेले हो,
बड़े फ्रिज की नीड नहीं है आपको, तो आप नीचे वाले पोर्शन को भी ऑफ कर सकते हो। उसके लिए आपने करना क्या है, तो उसके लिए आपने जो ये राइट वाला बटन है इसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है, और ये आपकी जो है अम्ब्रेला पे लाइट आ गई है। इसका मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो ऑफ हो गया है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आपने कन्वर्ट करने लगा, तो उसके लिए आपने इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फ्रीजर से फ्रिज बन गया है, यानी कि वो अकेले पर्सन के लिए आपका एक फ्रिज बन गया है, और जो नीचे वाला है वो आपका ऑफ हो चुका है। इसको हम बोलते हैं होम अलोन मोड। इसके बाद लास्ट मोड आता है वेकेशन मोड। वेकेशन मोड में क्या है, आपने नीचे वाले पोर्शन को ऑफ ही रखना है और ऊपर वाले पोर्शन को आप एज ए फ्रीजर छोड़ के जा सकते हो। उसके लिए आपने दोबारा से इसी बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। अब ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है -19 डिग्री आप देख रहे हो, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फ्रीजर बन चुका है और नीचे वाला ऑफ हो चुका है। इस तरह से आप जो है इसका लास्ट मोड वेकेशन मोड आपको यूज कर सकते हो। तो ये थे इसके 5 अलग अलग मोड जो 5 तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंपनी और भी बहुत सारी चीजें अलग से दे रही है। इसके अंदर क्या है, 258 यूनिट्स पर ईयर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, जो कि एक ये इसका मॉडल नंबर है और ईयर है RT34A4622S8/HL/2022। ये 2022 का नया मॉडल है। इसकी ग्रॉस वॉल्यूम जो है 314 लीटर है और जो स्टोरेज वॉल्यूम है 288 लीटर है। उसके बाद 10 ईयर आपको कंपनी इसके लिए कंप्रेशर की वारंटी दे रही है। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका फायदा ये है कि आप जितना सामान रखोगे उसी के हिसाब से ये लाइट कंज्यूम करेगा। इसके बाद कनेक्ट इन्वर्टर के साथ आता है, रन्स ऑन होम इन्वर्टर, कंज्यूम लेस पावर देन 2 CFL बल्ब्स, 2 CFL से भी कम लाइट पे ये रेफ्रिजरेटर जो है चल जाता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, जो कि आपको वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। 100 से 300 वाट ये कंट्रोल भी करेगा। 21 ईयर की इसकी कंप्रेशर लाइफ आ जाती है, जो कि VDE ग्रुप के द्वारा टेस्टेड भी किया हुआ है, जिन्होंने इसको ऑथराइज किया कि इसकी जो कंप्रेशर की लाइफ है वो 21 ईयर है। इसके अलावा अगर हम अंदर की बात करें तो ये इसके अंदर आपको बोतल गार्ड भी बहुत सारे मिल जाते हैं, देखिए फ्रीजर पार्ट में भी और फ्रिज वाले पार्ट में भी, और इनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप अपने टमाटर वगैरह, नींबू या अंडे वगैरह जो भी आप वो रख सकते हो। और ये वाला इसका जो है नीचे वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपको डिओडराइजिंग फिल्टर भी देखिए मिल जाता है। यहाँ पे डिओडराइजिंग फिल्टर का बेनिफिट आप सब जानते ही हैं, स्मेल वगैरह के लिए होता है, अंदर किसी भी तरह की स्मेल नहीं होगी। उसके बाद जो इसकी ये देखिए एयर कटर के लिए है, इसको भी आप निकाल के साफ करके ऐसे ही वापस डाल सकते हो, और ये भी एंटी फंगल होती है, इस पर फंगस वगैरह नहीं जमता, ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट में है। और इसी के साथ आपको इसमें ये पावर कूल बॉक्स भी एक मिल जाता है, ये वाला पैड। इसका बेनिफिट ये है कि बाई चांस अगर आपके घर में लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी आपका लो है, तो आप इसके ऊपर जो भी सामान रखो 12 घंटे तक आपका ठंडा ही रहेगा। उसके बाद ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। फ्रॉस्ट फ्री आपने पहले भी सुना होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमती, जैसे सिंगल डोर फ्रिजों में साइडों में आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा बर्फ जम जाती है, फिर वो मेल्ट होकर नीचे पानी आता रहता है, तो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो आप बॉक्स रखते हो आइस जमाने के लिए, उसके अंदर जो पानी होगा सिर्फ वही जमेगा, कोई एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमेगी। तो इस रेफ्रिजरेटर का ये भी एक बेनिफिट है। तो ये थे इसके मेन बेनिफिट। उसके बाद इसके अंदर और एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा आपको, साइडों से लेदर कोटिंग मिल जाएगी, ये पूरी तरह से लेदर कोटिंग के साथ आता है। बैक साइड की बात करें तो ये पूरा नीट एंड क्लीन लुक के साथ आता है, और इसके अंदर आपको नीचे व्हील भी मिल जाते हैं, देखिए ये व्हील लगे हुए हैं। अगर आपने इसको इधर उधर मूव करना चाहते हो तो उसके लिए व्हील मिल जाता है। और ये है इसकी पानी वाली ट्रे, जो अगर बाई चांस कोई पावर लॉन्ग पावर कट लग जाता है, अगर पानी यहाँ पे आता है तो इसके अंदर ये देखिए ये हीट के लिए एक वायर हीट एक्सचेंजर है, तो इसके लिए जब पानी यहाँ पे इकट्ठा होता तो इस हीट पंप के हीट वाले पाइप के साथ, ये बहुत ही गर्म है, देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ बहुत गर्म है, इससे वो पानी सूखता भी रहता है। तो इसलिए इस रेफ्रिजरेटर का पानी वगैरह का कोई एक्स्ट्रा कोई इशू नहीं है। ये इसकी कंप्लीट डिटेल है, गैस वगैरह की स्पेसिफिकेशन है सारी की सारी जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये था इसका कंप्लीट डेमो इसी रेफ्रिजरेटर का। तो ये आपने देखा आज की मेरी वीडियो में इस कर्ड माइस्ट्रो 314 लीटर के सैमसंग के रेफ्रिजरेटर का कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन।
तो कैसा लगा आपको ये रेफ्रिजरेटर कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।